पैदा तुम भारत में हुए, नमक तुमने भारत का खाया, लेकिन अगर तुम देश से ही खिलाफत करोगे तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ही। और इस बार ये अंजाम भुगता है कनाडा के भारतीय मूल के सिंगर शुभनीत सिंह ने। खालिस्तान को लेकर भारत कनाडा में चल रहे टेंशन के बीच शुभनीत के एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें उसने भारत का आपत्तिजनक नक्शा पोस्ट कर रखा है। उसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब को भारत का हिस्सा दिखाया ही नहीं गया। शुभनीत के इसी पोस्ट के चलते अगले कुछ दिनों में शुभनीत के भारत में होने वाले सभी कॉन्सर्ट रद्द कर दिए गए हैं। इस कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर करने वाली बोट कंपनी ने स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिए हैं और बुक माई शो ने भी शुभनीत के भारत टूर की टिकट बुकिंग बंद कर दी है। और तो और, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे सभी खिलाड़ियों ने शुभनीत को अनफॉलो कर दिया है। यही नहीं, जहां जहां शुभनीत के पोस्टर लगे थे उन पर कालिक पोता जा रहा है। गाइस, ये एक उदाहरण है उन सभी लोगों के लिए जो भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब देश की बात आएगी तो देश के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। UPI दिन ब दिन शानदार फीचर से लैस होते जा रहा है, जिससे उसे यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। भारत के UPI सिस्टम में अब 4 ऐसे अमेजिंग फीचर्स एड कर दिए गए हैं जो पेमेंट ट्रांसफर को और भी ज्यादा आसान बना देंगे। पहला, हेलो UPI फीचर। इसमें आप किसी भी UPI ट्रांजेक्शन को खुद की आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि हेलो UPI पे 100 रुपीज टू मोहन। दूसरा, भारत सरकार ने जगह जगह पर UPI ATM की शुरुआत कर दी है, जिसकी मदद से अब आप बिना ATM कार्ड के सिर्फ UPI की मदद से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तीसरा, UPI लाइट ऐप, इसकी मदद से अब आप बिना इंटरनेट के भी UPI ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकते हैं। और चौथा और आखिरी, UPI टैप एंड पे फीचर, जिसकी मदद से आप किसी भी NFC एनेबल QR कोड पर टैप करके अपना पेमेंट पूरा कर सकते हैं। इन सभी फीचर से भारत का UPI दुनिया के सारे ट्रांजैक्शन सिस्टम को फेल कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर, आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का ये ख्याल सुनके कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है बुगाटी, और बुगाटी पूरी ही दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स बनाने के लिए फेमस है। और इन कारों के लिए अब जो मैं आप लोगों को फैक्ट बताने वाला हूं, उसको सुन के शायद आपके होश फाकता हो जाएंगे। एक बुगाटी कार में एक टायर की कीमत लगभग 10 लाख रुपए होती है। ओह माय गॉड, इतने में तो शायद हम लोग एक बढ़िया लग्जरी कार खरीद लेंगे इंडिया में। इसके अलावा अगर आपको एक बुगाटी कार में इंजन ऑयल को चेंज करवाना पड़ जाए तो उसके लिए आपको 14 लाख रुपए ढीले करने पड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, इसी वजह से बुगाटी कंपनीज की कारों की कीमत 17 करोड़ रुपए से तो शुरू होती है। क्या आपको भी ये कार्स पसंद है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।